व्यूअर्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वैगाबॉन्ड्स। बस जी गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, रिजॉर्ट से ही बोल रहे हैं अभी एंड इट्स अ डे 3। तो बस आई एम लीविंग फॉर नैनीताल राइट नाउ। टाइम अभी 8:30 हो गए हैं, होपफुली 9 बजे तक निकल जाएंगे। कल आपको मैंने बताया भी था दैट वी गोइंग टू नैनीताल टुमारो। एज अब यहाँ कुछ खास बचा नहीं है करने के लिए, तो हमने सोचा यहाँ से 60 किलोमीटर है नैनीताल, बाकी आपको बता भी दूंगा एग्जैक्ट है कितना। सो आई थिंक इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स टू रीच देयर। बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर नैनीताल के लिए निकलूंगा एंड सी यू इन द कार ओनली। बाय बाय, टेक केयर। व्यूअर्स यार एज आई टोल्ड यू के बस अब आपको गाड़ी में मिलूंगा, तो गाड़ी के पास ही खड़ा हूँ एंड होटल से निकल आए हैं हम लोग और वी आर ऑन दी क्या कहते हैं रामनगर नैनीताल जो हाईवे है उस पर हम इस टाइम चढ़ चुके हैं एंड यहाँ से नैनीताल यार 65 किलोमीटर है। थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपने कहीं भी आप स्टे कर रहे हो, चाहे आप काशीपुर रोड पर हों, रानीखेत रोड पर हों, चाहे आप डेलो रोड पर हों, आपने पहले रामनगर आना है। वहाँ से 3 तरफ रास्ते जाते हैं, बेसिकली 3 इंटरसेक्शंस हैं, एक टुवर्ड्स रानीखेत, एक टुवर्ड्स काशीपुर, एक टुवर्ड्स नैनीताल। इट इज़ वेरी इजी, अच्छे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप इजीली आराम से अपना साइन बोर्ड देखिए वरना जीपीएस ऑन कर लीजिए, वो आपको नैनीताल रानीखेत और काशीपुर इजीली ले जाएगा। तो वी आर ऑन आवर वे टू नैनीताल। यहाँ से 65 किलोमीटर है, कितना टाइम लगता है डिपेंड्स अपॉन दी कितना टाइम लगता है डिपेंड्स अपॉन दी रश, ट्रैफिक कितना है। बाकी अगर कुछ रास्ते में अच्छा दिखा मैं कैमरा ज़रूर ऑन करूँगा, अदरवाइज़ आपको नैनीताल सीधा जाके मिलूँगा। अगर मुझे रास्ते में अच्छा कुछ नहीं लगा, अच्छा लगा तो श्योरली आई विल स्विच ऑन दी कैमरा। बाय बाय। तो व्यूअर्स यार रामनगर से 26 किलोमीटर आगे आके टुवर्ड्स नैनीताल जो आपको रोड बताई थी उसी रोड पे 26 किलोमीटर आगे आके लेफ्ट हैंड साइड एक इको पार्क लिखा होगा, कॉर्बेट फॉल इको पार्क, वो आपको मैंने अभी दिखाया भी डैश कैम के थ्रू। वहाँ से आप लेफ्ट हो जाइए और उसके अंदर एक कॉर्बेट फॉल है, मुझे नहीं पता कैसी, आपको दिखा देता हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा इको पार्क देख के, तो सोचा अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊँ एंड इसका टिकट वगैरह का जो भी है मैं आपको बता देता हूँ, 50 रुपीज़ टू अ एडल्ट एंड 100 रुपीज़ टू अ कार। तो मतलब आप टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिएगा, हमारे 200 रुपीज़ लगे हैं 100 रुपीज़ कार के एंड 50 रुपीज़ ईच एडल्ट के, तो हम दो जाने थे, हमारे टोटल 200 रुपीज़ लगे। तो बस अभी जाके आपको फॉल दिखाता हूँ, होपफुली वो अच्छी हो एंड मज़ा आए वहाँ पर। तब तक आप ये जंगल देखिए। तो यार जैसा मैंने आपको बताया था कि हम वो कॉर्बेट फॉल देखने जा रहे हैं विच इज़ अराउंड 2 किलोमीटर फ्रॉम दैट गेट जहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड एंटर किए थे, बट आपको वहाँ 1.5-2 किलोमीटर आगे आके 200 मीटर का छोटा सा ट्रैक है आगे वाटरफॉल के लिए, तो वो थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा एज इट्स अ वाटरफॉल, तो वहाँ तक कार जाती नहीं है। तो बस आई एम ऑन दैट छुटकू सा ट्रैक
आपको दिखा भी देता हूँ है कैसा, तो वहीं जाके आपको वाटरफॉल के पास मिलता हूँ जी, एंड आई विल शो यू। सो दिस इज दी जी छोटा सा ट्रैक तो नहीं कह सकते थे, हाइकिंग ही कह लेंगे, छोटा सा रास्ता 200 मीटर का उस वाटरफॉल तक जाने के लिए। वाटरफॉल तो मुझे पता नहीं कैसा होगा, बट वर्थ है जी जगह, मतलब बढ़िया सेरेनिटी है, रॉ नेचर है, एंड सबसे बड़ी बात रश नहीं है, सब कुछ बड़ा प्योर प्योर सा लग रहा है। और एक बात बताऊँ, ये जो पुल होते हैं ना, आई लव देम, मतलब ये क्यूट क्यूट से पुल यार। वाटर स्ट्रीम है पीछे, आपको दिखाता हूँ। दीज आर दी कॉबर्ट फॉल्स बिहाइंड मी, वैसे तो मैंने आपको बैक कैमरे से दिखा दी हैं। मस्ट विजिट प्लेस है जी, मतलब बहुत ही बढ़िया, यू कैन सिट ओवर है, इन्होंने बैठने के लिए अच्छी जगह भी बनाई हुई हैं यहाँ पे, एंड वॉशरूम्स भी हैं। तो बस आप आइए यहाँ पे, इट इज़ अराउंड 28 किलोमीटर फ्रॉम रामनगर, 26 किलोमीटर जब रामनगर से टूवर्ड्स नैनीताल आ जाएंगे आपको 26 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट हैंड साइड इको पार्क लिखा होगा, कॉबर्ट फॉल्स लिखा होगा, उस तरफ टर्न लेना। अमेजिंग प्लेस जी, एंड प्लीज़ यार वही हमारा मोटिव, हमें नेचर का ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। जो मैं उत्तराखंड एक्सपीडिशन से जो आपको एक मैसेज दिया, डू रिमेंबर दैट, यहाँ के लिटर मत करना, शोर शराबा मत करना, और एक फेंस लगाई हुई है उसको क्रॉस करने की कोई भी कोशिश मत करना जी, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, और इसे प्रिजर्व करके रखना है। तो जी बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, एंड काफ़ी पिक्स मैंने अच्छी ली हैं यहाँ पे, उसके लिए डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो अब आपको गाड़ी में जाके मिलता हूँ, बाय बाय। व्यूअर्स बैक इन दी कार, सोचा तो आज ये था भी सीधा नैनीताल जाऊँगा, और आपको रास्ते में यही बोला था भी सीधा नैनीताल जाके ही कैमरा ऑन करूँगा, अगर रास्ते में कुछ दिखा तो ही ऑन करूँगा। तो अभी आपको कॉबर्ट फॉल्स दिखाई, एंड ट्रस्ट मी वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, मस्ट विजिट, मतलब टॉप ऑन माई लिस्ट। एंड अभी मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ अगर वो खुली हुई, एंड इट इज़ दैट कॉबर्ट म्यूज़ियम है इसी रास्ते में, तो अपने व्यूअर्स को दिखाना ज़रूरी है जो मुझे लगता है, क्योंकि म्यूज़ियम अच्छे होते हैं यार, अगर वहाँ पे अच्छी चीज़ें पड़ी हैं, जो म्यूज़ियम अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो ठीक नहीं होते वो बिल्कुल ही बेकार होते हैं। होपफुली ये म्यूज़ियम अच्छा होगा, तो मैं बस ये भी आपको दिखाता हूँ, बस खुला हो, क्योंकि म्यूज़ियम के हमेशा टाइमिंग्स होते हैं। सो लेट्स सी, ये जो म्यूज़ियम है ये भी आप जब रामनगर से नैनीताल जाएंगे, ये अराउंड वहाँ से 30 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है जी वाटरफॉल, कॉबर्ट फॉल है जो, एंड उससे 5-6 किलोमीटर आ गया, वही 30-32 किलोमीटर हो गया। तो ये भी आपको दिखाता हूँ, यार आई एम इन टू कॉबर्ट म्यूज़ियम,
विच इज़ अराउंड 32 किलोमीटर फ्रॉम क्या कहते हैं रामनगर। वैसे तो मैंने आपको यही कमिट किया था कि भाई हम नैनीताल जाके आपको मिलूंगा। अब आप सोच रहे होंगे रास्ते में कॉर्बेट फॉल्स भी दिखा दी, अब ये म्यूज़ियम क्या है। तो जब मैं कॉर्बेट फॉल्स से निकल रहा था तो वहाँ किसी ने बताया भाई जी आगे एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, इट्स अ कॉर्बेट म्यूज़ियम। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को अब निकल रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ। एंड ये कॉर्बेट फॉल से अराउंड 7 किलोमीटर आगे है, देखने में तो बड़ी अच्छी जगह लग रही है, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। एंड 10 रुपीज़ टू अ पर्सन, सो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। आप देखिए कुछ ना कुछ तो अच्छा दिख ही जाता है, और कुछ नहीं, हरियाली बहुत है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। बाय बाय। तो जी डन विद द म्यूज़ियम, आपको भी दिखा दिया अंदर से। एंड काइंडली पॉज करके देख लीजिएगा जो भी उनकी हिस्ट्री वहाँ पे लिखी हुई थी, बिकॉज मतलब इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा जितना मैंने देखा वहाँ, मतलब वो आपको पिक्चर्स भी दिखाई मैंने जहाँ पे टाइगर्स को लेपर्ड्स को हंट करके रखा हुआ है, और ये कहा जा रहा है वो मैन ईटर्स थे, कुमाऊँ के गाँव है यहाँ पे। सो मतलब दैट इज़ वॉट आई बिलीव, मतलब ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कोई भी माइंड मत कीजिएगा। मतलब मुझे तो हंटिंग आई डोंट लाइक एट ऑल, इनको मारा जाए। अब मैन ईटर्स के नाम पे किन किन को मार दिया गया, और ये पुरानी बातें हैं यार हिस्ट्री। और अब मुझे ये लगता है भी जो कई लोग तो सर पे रख कहते हैं ना बंदूक रख के हिस्ट्री लिखवा लेते थे, दिस इज़ वॉट आई बिलीव। सो वी आर डन विद द म्यूज़ियम, आई होप आपको पसंद आया होगा। अंदर बोलना अलाउ नहीं था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, तो विजुअल्स आपको सारे दिखा दिए। यही म्यूज़ियम है, काफ़ी ग्रीन है, इट्स अ गुड प्लेस, पीसफुल है। सुविनियर शॉप ज़रूर आइएगा जो मैंने आपको दिखाई है, यू विल फाइंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स ओवर देयर।
नाउ वी आर डन विद कॉर्बेट फॉल्स एंड म्यूजियम है ना, और वी विल लीव फॉर नैनीताल फाइनली। चलो जी, सी यू एट नैनीताल ऑन दी वे ऑल्सो, बाय। तो यार व्यूअर्स, नैनीताल सिटी में एंटर कर चुके हैं एंड काफ़ी दिनों बाद धूप देखी है मैंने, पंजाब में भी नहीं देखी थी इतने दिन। एंड अभी तो कह रहे हैं यहाँ पे जी थोड़ा वो जो कैब के कारण प्रोटेस्ट चल रहे हैं, टूरिस्ट सीज़न हिट हुआ है कॉर्बेट में, तो ये कह रहे हैं अभी 60-70% हिट हुआ है, पर यहाँ तो भैया देख कर लग नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। बाकी एंटर कर चुके हैं अब हम नैनीताल में, तो अब आपको मैं खुद पता करता हूँ। वैसे तो यहाँ पे एक मॉल रोड है एंड एक यहाँ पे लेक है, मेन तो अपनी लेक के कारण ही फेमस है, अदरवाइज इट्स अ पीसफुल स्टेशन। अभी पीसफुल नहीं लग रहा क्योंकि रश है, बट अंग्रेज़ों की ये फर्स्ट चॉइस होती थी। तो बस अभी गाड़ी पार्किंग में लगाऊंगा, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ जी, फिर कैमरा ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ जो खुद देखा हूँ। इट्स अ सनी डे इन नैनीताल एंड टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, ठंड है पर धूप की वजह से फील नहीं हो रहा। एंड बहुत सालों बाद आया हूँ यार नैनीताल, काफ़ी रश है, ये तो कह रहे हैं अभी रश अभी उतना नहीं है, पर हमें तो पार्किंग के लिए भी जगह बड़ी मुश्किल से मिली है। चार्ज 10-120 फॉर पार्किंग, बड़ी बहुत ही काफ़ी मुश्किल से मिली है, तो जहाँ जगह मिल जाए पार्किंग कर लीजिए। एक नया ट्रेंड मेरे को देखने को मिला है यहाँ पे, पीपल आर रेंटिंग बाइक्स टू रूम ऑन मॉल रोड। बस इसके बाद आपको नैनीताल दिखाता हूँ जी, यहाँ की झील काफ़ी फेमस है एज आई टोल्ड यू, प्लस यहाँ की क्या कहते हैं जी मॉल रोड है बस यहाँ पे, और काफ़ी टाइम बाद आने का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आपको कहते हैं ना जो भी आपको पता होता है और चीज़ें बदल जाती हैं मोर ओवर, तो आजकल तो हर साल ही चीज़ें बदल रही हैं। तो बस जी फिर अब नैनीताल देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ ऑल नैनीताल जी, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नैनीताल की जो झील है, लेक है, वहाँ जा रहे हैं, बोटिंग करेंगे क्योंकि बिना बोटिंग किए आप लेक नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्या करोगे नज़दीक जाके। एंड आपको पहले झील की फर्स्ट लुक दिखाता हूँ, उसके बाद आई विल लेट यू नो द चार्जेस ऑल्सो, बोटिंग के क्या चार्जेस हैं यहाँ पे। तो मुकीम क्या नाम है इस लेक का? सर इसका नाम है नैनी लेक। नैनी लेक जी सर। और कितनी गहरी है ये? सर ये साइडों पे जहाँ बैठे हैं यहाँ पर सर 120 फीट है। जहाँ पे हम तो व्यूअर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे 120 फीट। 120 फीट। और सर सेंटर की गहराई सर किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता ना? तो इसकी यार इसमें सर दो पार्ट। हाँ। ये मल्ली ताल है। हाँ। और उस तरफ का तल्ली ताल है। अच्छा। तल्ली मानी सर उसका तला नीचे है। अच्छा। ये ऊपर कैसे मंदिर का बहुत बड़ा सा। और कितनी लंबी है ये? ये सर 1.5 किलोमीटर लंबी है। 1.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें सर 7 जगह से बोटिंग चलती है सर। ओके। और अभी सीजन फुल है कि हाफ है? सर सीजन तो फिलहाल में फुली है, एकदम करीब 15 का सीजन रहता है। अच्छा। और आजकल लोग सर कम ही आ रहे हैं। कारण? कारण सर ये है जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं, कस्टमर कम आ रहे हैं। अच्छा, वो जो बिल के कारण प्रोटेस्ट हो रहे हैं लोग कम आ रहे हैं, तो इसको आप अभी कम रश मान रहे हो? बहुत कम है सर,
एटीएम पे लगा लो सर, आपको पैर रखने को जगह नहीं मिलती है, पूरा पैक रहता है आपको वोटिंग का। हम आपको लेके आए, हाँ हाँ, आप आते ना तो हमारा इंतजार करते आप। अच्छा, कौन सा वोट वाला खाली है, आप टिकट देके यहाँ वेटिंग खड़ा होना पड़ता है कम से कम 15 मिनट आधे घंटे। अच्छा, आपको मैंने दिखा दिए लेक के, एंड इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। बाकी जो हमारे बोट चला रहे हैं मुकिंग जी, उन्होंने आपको बता भी दिया कि इसकी बीच की गहराई तो किसी को भी नहीं पता कितनी है, एंड जो इसका कॉर्नर्स है, आई मीन किनारे हैं, तला कहते हैं उसको, उसकी 120 फीट है। बाकी अगर आपने फुल लेक की राइड लेनी है तो इट इज़ 210 to 2% मतलब जितने मर्जी बनते हो, फुल राइड आपकी 210 है। हाफ राइड लेनी है, हाफ राइड कितने की है मुकिंग? 160। हाफ राइड 160 रुपए की है और ये गवर्नमेंट रेट है, ये खुद नहीं लेते बिल्कुल भी। सो इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल, मुझे तो कोई ज़्यादा नहीं लगा। बाकी रश के बारे में हमारे जो बोट चला रहे हैं मुकिंग भैया, उन्होंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह भी नहीं होती। तो बस जी, ये लेक है, इसके विजुअल्स आपको मैंने दिखा दिए, थोड़े और दिखा देता हूँ, तब तक मैं इंजॉय करता हूँ लेक को, आप भी कीजिए, बाय बाय। और हाँ, ये डालने यहाँ पे कंपलसरी है, वरना बोट का चलान हो जाए। थैंक यू। डन विद दी लेक जी, आई होप यू लाइक दी लेक, मुझे तो बहुत पसंद आई, काफ़ी अच्छी है यार, पानी भी साफ है, एंड टूरिस्ट कम था, ठीक है, इन लोगों के लिए गलत है, पर काफ़ी पीसफुल भी था, एंड सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है, वो इनकी लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं वो रखी हुई हैं इन्होंने, अगर आप नहीं डालेंगे तो चलान है, एंड क्वाइट रीजनेबल। आई शो यू मॉल रोड, उसके बाद वापसी करेंगे जी, आज कॉर्बेट वापस जाना है, तो लेट्स मीट यू ऑन द मॉल रोड, बाय बाय। सो दिस इज द मॉल रोड जी, देख लीजिए, मुझे भी यहाँ की शुरू से ओके ओके लगती है, अब भी ओके ओके ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एल्स आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी लेक, वॉज अमेजिंग, मॉल रोड इज ओके ओके। और जब भी हम आते थे ना यार, ये हम वैसे ही नहीं खाना खाते थे, तब तो बहुत अच्छा था, नाउ आई डोंट नो, उसके स्प्रिंग रोल तो काफ़ी अच्छे थे। घूम ली, इट इज़ वेरी स्मॉल मॉल रोड, तो हार्डली 10-15 मिनट लगे। आई एम क्वाइट हंग्री, टाइम 3 बज चुके हैं, हमने वैसे सोचा था तो जो रामनगर टू जो वो कॉर्बेट फॉल थी, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, तो आई वॉन्ट टू सिट देयर, बट वी आर क्वाइट लेट, वहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा, भूख बहुत लगी है। सो मैंने एक कम्बेसी रेस्टोरेंट दिखाया था, मैं जब बहुत साल पहले भी यहाँ आता था तो यहीं खाता था, तब तो इनका खाना बहुत कमाल का था। अब खाना खाने लगा हूँ, आई हैव ऑर्डर्ड स्प्रिंग रोल एंड प्लस चिकन गार्लिक ड्राई, और इनकी मेन ड्रिंक है वो आपको मैं सबको बाद में बताऊंगा क्या बिल था, कैसा इनका खाना है, वो रिव्यू इट, अब बस वो खाऊंगा, उसके बाद आपको रिव्यू दूंगा, इन बिटवीन आपको इसका एम्बियंस दिखा देता हूँ। इट इज़ क्वाइट गुड, बिल्कुल मॉल रोड पे सिचुएटेड है, इसका नाम है एम्बेसी। बाय बाय। डन विद लंच,
मतलब जैसा टेस्ट इनका से काफ़ी साल पहले था, आप कह सकते हैं 8-9 years back जब मेरे फादर मुझे लेके आते थे नैनीताल, मतलब 7-8 बार पहले आया हूँ और इसी रेस्टोरेंट पे खाना खाता था एंड अमेजिंग। मैंने स्प्रिंग रोल लिए जो तब भी लेता था और एक चिकन गार्लिक ऑर्डर किया है, प्लस एक इनका स्पेशल मिंट सोडा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इट इज़ अमेजिंग। और एक पान शॉट, वो भी हमें सारा खाना ही अच्छा था। बिल आया हमारा 770, मतलब बहुत ओवर प्राइस भी नहीं है, कल वाला तो बहुत ओवर प्राइस था जो वो नेस्ट रेस्टोरेंट था, और बहुत चीप भी नहीं है। इनका एम्बियंस भी मैंने आपको दिखा दिया। सो फ्रॉम माई साइड खाना 10 out of 10, प्राइस 8 out of 10, एम्बियंस ओके ओके टाइप्स, मतलब ऐसा ही है शुरू से इनका, तो आप कह सकते हैं 7 out of 10। बस ये भी का अपडेट था जी, ना हो बस थोड़ा सा यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, देन विल गो बैक टू कॉबेट। अगर कुछ बीच में करता हूँ आई विल गिव यू अपडेट। यहाँ पे बस हाँ एक बात बताना भूल गया, पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल्स मिलती होती थी, मैं बस वो देखने जा रहा हूँ, अगर अच्छी मिल गई तो आपको भी दिखाता हूँ, खुद भी एक आधी ले लूँगा। जी डन विद द कैंडल शॉप, एक्चुअली एक मेरे बड़े भाई की तरह वहाँ पे, तो उनसे मैंने प्रॉमिस किया था, आशीष पाजी जिनके मैंने वो तोशे दिखाए थे आपको हर की धुन वाले ब्लॉग में, कि अगर मैं नैनीताल गया आई विल ब्रिंग कैंडल्स। सो आई एम डन विद द कैंडल्स, कैंडल्स ले ली हैं जी, एक आधी मैगनेट ले ली, रेफ्रिजरेटर मैगनेट, उस पर अच्छा लिखा हुआ लाइफ इज़ बेस्ट एट द लेक। सो फिल्मिंग अंदर अलाउ नहीं थी तो मैं थोड़ी सी कर पाया, वो आपको दिखा देता हूँ, एक दो पिक्स दिखा देता हूँ। Now we are leaving from Nainital towards Ramnagar, as कल सुबह हमें towards चंडीगढ़ निकलना, तो बाकी की बात फिर आपसे या तो होटल में जाके करूँगा या कहीं रास्ते में कहीं भी रुका, let's see, देखते हैं कहाँ आपसे मिलता हूँ। Till then, bye bye, stay tuned. सोच रहे होंगे पागल हो गया है, गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली यार कल का व्लॉग मतलब 27 तारीख थी, आज 28 तारीख को ख़त्म कर रहा हूँ। एक्चुअली रात बहुत हो गई थी, थक बहुत ज़्यादा गए थे, तो मैंने सोचा यार व्लॉग कल सुबह ही करूँगा, अदरवाइज वो जब आप कहते ना बेमने हो के व्लॉग करते हो, आपका मन ना हो तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो डे वॉज यस्टरडे वॉज ग्रेट, कॉर्बेट फॉल्स मतलब मस्ट विजिट प्लेस है, जब भी यहाँ पे आए ज़रूर देखें। इवन वो जो म्यूजियम था ठीक था, जगह अच्छी थी, आप देख सकते हैं, नैनीताल वॉज गुड अमेजिंग, रश कम था इसलिए बहुत अच्छा था। अब 2-3 बातें आपको बताने वाली, बस जल्दी जल्दी बता दूंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। नंबर वन यार इस बार टूरिज्म बहुत हिट हुआ है यहाँ पे, वो कैब बिल के कारण, एंड बिजनेसमैन काफ़ी दुखी है यहाँ पर, उन्होंने काफ़ी तैयारियाँ कर रखी थी इवन नैनीताल में कॉर्बेट में, तो मतलब मुझे ये लगता है यार कि देश का माहौल अच्छा ही रहना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ हिट करता है, क्योंकि जब इनका बिजनेस हिट करता है फिर जो इनके बेचारों के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये वापस भेज देते हैं, तो वो सारी कहते हैं ना आपका जो सर्कल बना उसका हिल जाता है, एंड काफ़ी मतलब बुरा हाल है, जो किसमिस थी इनके स्नैक्स भी सारे वेस्ट गए, तो बट एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे इनका जो भी खाना बचता है जितने भी होटल्स हैं यहाँ पे, गनाथ आश्रम है यहाँ पे, वहाँ पे सारे भेज देते हैं, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। अब मैं 2 दिन से आपको कहता हूँ आपको होटल्स के बारे में कुछ बताना है, वो आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे आप जब भी आए ना यार, आपको मैं 3 जगह बताता हूँ, 3 नहीं 4 जगह बता देता हूँ होटल वाली, और ये भी बता दूँगा कौन सी सबसे बेस्ट है। एक तो है ये डेला रोड, सेकेंड है जी आप टूवर्ड रानीखेत वाली रोड पे, थर्ड है नैनीखेत वाली रोड पे, फोर्थ है जी जब हम सीतावली जोन की तरफ जाते हैं जंगल के अंदर, जो ये नैनीताल वाली है, डेला रोड है, रानीखेत रोड है, इन से जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो मुझे लगी ये जहाँ पे मैं हूँ, इसलिए नहीं कि मैं खुद यहाँ रुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, इसको आपको रीज़न दे देता हूँ, अच्छी सारी हैं बट ये सबसे थोड़ा सा इसको एडवांटेज है, एक तो ये रामनगर से बहुत नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं है, सेकेंडली यहाँ पे शोर शराबा कम है, वो फिर कहते ना बंदे को पीस मिलता है, यहाँ पे रिजॉर्ट्स इस मेरे वाली लेन में 5-6 रिजॉर्ट्स हैं, इसलिए शोर शराबा भी कम है, थोड़ा ऑफ रोडिंग करके आना पड़ता है, लोग भी कम आते हैं। नैनीताल वाली जो रोड है वो थोड़ी दूर पड़ जाती है, रोड वो हाँ आई थिंक एक्सक्लूडेडनेस बहुत है, अच्छे रिजॉर्ट बने हैं, वो काफ़ी दूर पड़ जाती है,
तो बोला फिर वो आप वहाँ से रामनगर आएंगे, रामनगर से अगर आके कहीं जाना हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पर अगर इसमें नैनीताल जाना है, कॉबर्ट फॉल देखनी है, वो वहाँ पर रुक सकता है। पर फिर खाने की भी दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे होटल्स में खाना बहुत एक्सपेंसिव है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब एटलीस्ट अगर आप लंच बार करते हो तो थोड़ा एक्सेस ईजी चाहिए, या जो बंदा डिनर भी बाहर करता है उसको भी होगा भाई थोड़ा मैं शहर के पास हूँ काफ़ी डिनर कर सकूँ, तो ये डिनर और मामले में ठीक है। यहाँ से आपको वर्धानी के थ्रोड भी जाएंगे तो ईजिली आप जा सकते हैं, पर अगर आपको बिल्कुल ईजी एक्सेस चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप रानीखेत रोड पर रुकिए। वहाँ पे मतलब अगर आपने रात को डिनर भी करना है, इवन सुबह आप ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड नहीं करना चाहते और लंच भी बाहर ही करना चाहते हैं, तो उस रोड पे काफ़ी ढाबाज हैं, अच्छे कैफेज भी बने हुए हैं। कैफेज तो फिर वही सेम हो जाएगा क्योंकि उनकी प्राइस भी ऑन दी हायर साइड है। तो बस ये था जी। अब चौथी है सीतावनी रेंज। यार वहाँ पर स्ट्रिक्टली वही बंदा जाए जिसको कहते हैं ना बस भी जंगलों में रहने का ही शौक है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रुकते हैं तो आप ट्रस्ट मी वंस यू एंटर योर होटल, मतलब कहीं भी जाते हैं एक बार होटल में आ गए तो वापस जाना मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, वो काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ जाने के लिए। एक तो वहाँ वो सीतावली जोन का जो गेट है वहाँ पे आपको रोक ही रखते हैं और वहाँ पे रश भी रहता थोड़ा, एंड फिर वही होटल वाले फिर वो आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करेंगे, तो वो आपको फिर डिनर अगर आप इंक्लूड करते हैं उन अंदर वाले होटल में वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बाकी प्रेफर तो मैं यही करूँगा भैया अपना ब्रेकफास्ट और डिनर जब आप फॉरवर्ड में आते हैं जरूर इंक्लूड कराइएगा, ये बाकी जगह की तरह नहीं है। मॉल रोड है जी वहाँ चले गए, यहाँ से सब कुछ दूर है, यही बस मेरे कहने का मतलब था। और अपनी बुकिंग आप ऑनलाइन करवा के आइएगा, ऑनलाइन करवाने के बाद एक बार बुकिंग को जरूर कॉल कर लीजिए यहाँ पर, उनको बता दीजिए आई एम कमिंग। एंड मुझे मैंने गोवा भी बुक के थ्रू करवाई थी, बजट आपको मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे जो बजट है वो क्राउड के अकॉर्डिंग मतलब रश के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग महीनों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, तो मैं बजट नहीं बता पाऊँगा आपको ये होटल का क्या था किसी और का क्या है, वो फ्लक्चुएट करता है दिन में चार चार बार फ्लक्चुएट करता है। पर हाँ मैंने गोवा भी बुक थ्रू करवाई थी, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैम, उनकी सर्विस अच्छी है, जैसा उन्होंने कमिटमेंट की थी वैसा ही रहा, और आपको हर टाइम मैसेज भेजते रहते हैं, आपको लोकेशन भेज देते हैं, सो देयर सर्विस इज़ गुड एंड उनके प्राइस भी बाकी साइड से मुझे थोड़े ऑन दी लोअर साइड लगे, तो आई विल प्रेफर गोवा भी बो। मेक माई ट्रिप भी ठीक है तो सारे ठीक, मुझे गोवा भी बहुत ठीक लगी। सो आपको सारा बता दिया जी, होटल्स का भी बता दिया, बजट भी आपको मैंने कॉल बता दी, खाना यहाँ हर जगह अच्छा है, खाना इज़ रियली गुड, इवन जहाँ मैं रुका हूँ इनका खाना वो बहुत ही अच्छा है, एकॉन हाइडवे इनके रूम बहुत अच्छे हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा था, बाहर जो उन्होंने वो जंगल साहब को टूर मैंने दिया था वो बहुत अच्छा है, स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली, सो 5 out of 5 इन एवरी एस्पेक्ट। तो बस जी ट्रिप कॉबे ट्रिप इज़ ओवर, एंड आई थिंक आज 28 तारीख हो गई है, सुबह हम हुए हैं 10 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, काफ़ी लंबा सफ़र है चंडीगढ़ का, उसके बाद एक जगह और जाना है, होपफुली 99.99% वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है फ्रेंड्स के साथ, तो देखते हैं कहाँ पर बनती है, कुछ सरप्राइज है, तो अगर वो कवर कर पाया आई विल शो यू न्यू ईयर ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो। तो ठीक है जी, फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, न्यू प्लेस न्यू एडवेंचर न्यू जर्नी, तो तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, love what you do, take care, bye bye.